आज की दोस्तों इस बेहद ही स्पेशल और खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि आखिर वो इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जो सबसे ज्यादा बेस्ट और सबसे ज्यादा परफेक्ट है। वैसे तो आज के दिन दोस्तों इंडिया में हर स्टेट अपनी कुछ खास बातों के लिए जानी जाती है और हर स्टेट दोस्तों कुछ खास बातों के लिए बदनाम भी है पूरे इंडिया में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम दोस्तों लगभग 38 अलग अलग वेबसाइट्स के डेटा को पूरी तरह से कंपेयर करेंगे और साथ ही कई क्राइटेरियाज के हिसाब से स्टेट्स को इस तरीके से एनालिसिस करेंगे कि हमें पता चलेगा कि कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा बेस्ट और सबसे ज्यादा परफेक्ट है। और इस सब के लिए दोस्तों हम सभी स्टेट्स की इकोनॉमी, HDI का लेवल और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों चर्चा पूरी होने वाली है इंडिया की सभी स्टेट्स के बारे में। तो यार कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तो होगी ही, लेकिन साथ में इससे आपको बहुत ही खास और अलग लेवल की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड होगी। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। किसी भी स्टेट या फिर दोस्तों किसी भी कंट्री की तरक्की में ना वहाँ की GDP का एक बहुत ही अहम यानी एक बहुत ही मेन रोल होता है। अगर हम ओवरऑल GDP में देखें तो दोस्तों महाराष्ट्र इसमें नंबर एक पर आता है। इसके बाद महाराष्ट्र के बाद दोस्तों नॉमिनल GDP के मामले में तमिलनाडु का नाम आता है। हालांकि इस कैलकुलेशन में थोड़ी दोस्तों ये प्रॉब्लम आ सकती है और आ भी रही है मेरे हिसाब से कि यहाँ वही स्टेट्स ऊपर आएंगी जिनकी पॉपुलेशन बेहद ही ज़्यादा है। इसीलिए दोस्तों सबसे बेस्ट क्राइटेरिया रहता है GDP पर कैपिटा का यानी GDP पर पर्सन। तो चलिए दोस्तों इससे ज़्यादा बढ़िया क्राइटेरिया की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं GDP पर कैपिटा की। GDP पर कैपिटा के मामले में दोस्तों दिल्ली पूरे इंडिया में नंबर एक पर आती है। लेकिन अब मैं आप पर ये बात छोड़ूंगा कि आप दिल्ली को एज ए सिटी कंसीडर करोगे या फिर एज ए यूनियन टेरिटरी या फिर एज ए स्टेट। अगर दोस्तों इसी क्राइटेरिया को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं और देखें कि पिछले कुछ सालों में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रो हुई है, तो दोस्तों इस मामले में नंबर एक पर जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश और नंबर दो पर स्टेट जो आती है वो है जम्मू एंड कश्मीर। चलिए दोस्तों अब जरा हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। आप सभी तो जानते हैं यार इंडिया में ना कितना मुश्किल हो चुका है लोगों को जॉब मिलना और अनएम्प्लॉयमेंट के चलते बहुत सारे लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं और सीधा सीधा ये किसी भी डेवलप देश के लिए दोस्तों बहुत ही बुरी बात होती है। और जिस स्टेट में दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर चली जाएगी वहाँ के नागरिक बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते क्योंकि उनके पास पैसा कमाने का कोई स्रोत ही नहीं होगा। इस लिस्ट में दोस्तों नंबर वन पर जो हमारे पास स्टेट आई है वो है कर्नाटका। और डेटा के अनुसार कर्नाटका में आज के दिन 2020 में 0.9% लोग ही ऐसे हैं जिनको कोई भी जॉब नहीं मिलती और बाकी के दोस्तों सभी लोग यहाँ पर अच्छे से जॉब करते हैं या फिर अपना बिजनेस। अगला दोस्तों एक बहुत ही मेजर क्राइटेरिया है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी देश या फिर स्टेट की तरक्की के लिए, क्योंकि इससे दोस्तों साफ साफ पता चलता है कि लोग अपनी ज़िंदगी से कितने खुश हैं और उनकी ज़िंदगी उनका लाइफस्टाइल किस तरीके का चल रहा है। HDI का इंडेक्स दोस्तों सीधे सीधे ही बता देता है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ किस लेवल तक जा चुका है और कैसा चल रहा है लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ। HDI के मामले में दोस्तों नंबर एक का रैंक हासिल किया है केरला ने और नंबर दो पर नाम आता है दिल्ली दिल वालों की। दोस्तों अगला जो क्राइटेरिया है ना वो कुछ लोगों के लिए तो सही में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसे बिल्कुल भी सीरियसली ना ले। दोस्तों अगला जो मेन खास पॉइंट है वो है सेक्स रेशो। इस क्राइटेरिया के मामले में दोस्तों इंडिया की नंबर वन जो स्टेट है वो है केरला। यहाँ पर दोस्तों 1,084 वुमेन के पीछे 1,000 मैन है यानी दोस्तों लड़कियों की संख्या यहाँ काफी ज्यादा है और ये इंडिया की इकलौती ऐसी स्टेट है जहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले इतनी ज्यादा हाई है, वरना ज्यादातर स्टेट्स में तो लड़कियाँ काफी कम है और लड़के काफी ज्यादा। अगला दोस्तों जो मेजर और बेहद ही खास पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिफिकेशन रेट यानी किस स्टेट में या फिर किस जगह पर दोस्तों कितने प्रतिशत घरों में फुल्ली बिजली पहुंचाई जाती है। ये दोस्तों बहुत मेन पॉइंट है क्योंकि इससे पता चलता है हमारे पूरे देश का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है और कौन सी स्टेट इस डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही है। इस लिस्ट में भी दोस्तों एक बार फिर से कमाल का काम कर दिखाया है केरला ने और नंबर वन का तमगा जाता है केरला के सर।
आज के दिन दोस्तों पूरे केरला के 99.87% घरों में बिजली पहुंचती है, यानी लगभग आप 100% ही कह सकते हो। केरला के बाद इस क्राइटेरिया में नंबर 2 की जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। और आज के दिन दोस्तों आंध्र प्रदेश के 98.84% घर पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हैं। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर दोस्तों मैंने यूनियन टेरिटरीज को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया, क्योंकि आप तो जानते हैं दोस्तों जगह जितनी ज्यादा छोटी होगी वहां पर बिजली पहुंचाना भी उतना ही आसान होगा। लेकिन बड़ी बड़ी स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश, केरला, इन जगह पर दोस्तों बिजली पहुंचाना सही में काफी चैलेंजिंग काम है और यहाँ की गवर्नमेंट की तारीफ तो बनती है। अगला जो दोस्तों बेहद ही ज्यादा मेन क्राइटेरिया है वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जो लोग दोस्तों नहीं जानते कि आखिर ये इंडेक्स किस काम आता है, तो मैं उन्हें सीधे सीधे ही बता दूं कि ये वो इंडेक्स है जिससे हम किसी भी शहर, स्टेट या फिर कंट्री की गरीबी नाप सकते हैं। असल में दोस्तों इस इंडेक्स को बनाने के लिए 10 डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स पर फोकस किया जाता है, जिसके चलते पॉवर्टी पूरी तरह से हमारे सामने आ जाती है। लेकिन अगर इन्हें हम दोस्तों 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये 3 मेन पार्ट्स बनते हैं, एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस इंडेक्स में भी दोस्तों सभी को चौंकाते हुए एक बार फिर से नंबर 1 का तमगा हासिल किया है केरला ने, और नंबर 2 पर नाम आता है दिल्ली का, और नंबर 3 पर दोस्तों यहाँ पर बीचेस के लिए बेहद फेमस स्टेट गोवा का नाम आता है। अगला दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेन क्राइटेरिया है वो है मोस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेट। ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है, स्पेशली दोस्तों इंडिया जैसे देश में जहाँ पोल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और कोई भी गवर्नमेंट फोकस नहीं करती इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। अगर पूरे डेटा को दोस्तों एनालिसिस करने के बाद बात करें तो नंबर 1 की जो स्टेट है वो है मिजोरम, जिसका 91.37% एरिया दोस्तों पूरी तरह से फॉरेस्ट का है। और इतना ज्यादा फॉरेस्ट का एरिया है तो यार हवा तो साफ होगी और पॉल्यूशन भी काफी कम रहता होगा। अगला दोस्तों जो मेन क्राइटेरिया है ना वो स्पेशली हिट करेगा बिजनेसमैन लोगों को, और दोस्तों ये खास क्राइटेरिया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दोस्तों पूरी दुनिया की नंबर 1 कंट्री तो न्यूजीलैंड है, लेकिन इंडिया की रैंकिंग पिछले 4 से 5 सालों में इस मामले में ना लगातार सुधरी है। इस क्राइटेरिया में दोस्तों ये बात देखी जाती है कि इंडिया की किस स्टेट में बिजनेस करना सबसे ज़्यादा आसान है और कहाँ पर बिजनेस करने के लिए लोगों को बहुत ही कम डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और गवर्नमेंट ने कितने अच्छे खासे प्रबंध किए हैं, और आखिर बिजनेस खड़ा करने में कितना कम टाइम लगता है, डॉक्यूमेंटेशन कितनी ईजी है, इसके अलावा टैक्स भरना कितना ईजी है। साथ ही दोस्तों GST नंबर पर भी ये काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है, और सभी काम जितने ईजीली हो पाएंगे वो स्टेट दोस्तों उतना ही हाईली रैंक करेगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में। सारा डाटा एनालिसिस करने के बाद दोस्तों नंबर 1 की जो स्टेट है वो है गुजरात, और इस लिस्ट में नंबर 2 की दोस्तों जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। अगला दोस्तों मेन और खास जो क्राइटेरिया है वो है क्राइम रेट, और मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है इंडिया जैसे देश के लिए, जहां पर दोस्तों वुमेन की सेफ्टी पर हमेशा ही सवाल उठते आए हैं। डाटा एनालिसिस दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं, उससे पहले ना आपको ये पूरी तरह से समझना होगा अच्छे तरीके से, वरना आप काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग खा जाओगे। क्राइम रेट के मामले में दोस्तों आपको हैरानी होगी कि केरला नंबर 1 पर है, और यहाँ पर हर 1 लाख लोगों के पीछे 455 क्राइम रिपोर्ट होते हैं। लेकिन इससे यार ये बिल्कुल ना समझ लेना कि केरला बिल्कुल अनसेफ स्टेट है, बल्कि ये नंबर 1 स्टेट है इस मामले में भी, क्योंकि दोस्तों केरला के लोग बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है, जिसके चलते वो कुछ भी अपने साथ जब गलत होता है तो उसकी रिपोर्ट पुलिस में जरूर करते हैं। और दोस्तों इस हिसाब से केरला एक ऐसी स्टेट है जहां पर बहुत ही ज्यादा क्राइम रिपोर्ट होते हैं, जिसके चलते आंकड़ों में तो इसका नाम काफी ऊपर आता है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसे काफी ज्यादा सेफ स्टेट माना जाता है, क्योंकि पुलिस का साथ हमेशा लोगों के साथ होता है। अब इसे और भी ज्यादा दोस्तों अच्छे से आपको समझाने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो पूरी दुनिया की वो कौन सी कंट्रीज होंगी जहां पर क्राइम रेट सबसे ज्यादा होगा, दोस्तों ये कंट्रीज हैं स्वीडन, डेनमार्क, न्यूजीलैंड। आप फिर से हैरान हो रहे होंगे कि ये तो बड़ी पीसफुल और कमाल की डेवलप कंट्री है, तो यहाँ पर भला इतना क्राइम कैसे होता होगा। लेकिन दोस्तों बात यह है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग क्राइम को रिपोर्ट करते हैं, जिसके चलते ये बात सामने आती है कि लोग बड़े अवेयर हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं आपको लोएस्ट क्राइम वाली कंट्रीज के बारे में बताऊं तो इनमें नाम आता है सोमालिया, इराक और लीबिया का, लेकिन ये वो कंट्री है जहां पर दोस्तों क्राइम सबसे ज्यादा होता है लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल नहीं होता।
ऐसे ही दोस्तों केरला इंडिया की एक स्टेट है जहां पर क्राइम होता तो है लेकिन वो रिपोर्ट बहुत ही हाई लेवल पर होता है, जिसके चलते ये काफ़ी सेफ स्टेट है। लेकिन बाकी की स्टेट्स दोस्तों वहां पर क्राइम होता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन रिपोर्ट बेहद कम होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इस क्राइटेरिया से दोस्तों ये बात हमारे सामने आ जाती है कि किस स्टेट में सड़कें कितनी अच्छी तरह से बनी हैं और किस स्टेट में लोगों के पास कितने ज़्यादा पक्के मकान मौजूद हैं और लोगों के घरों की क्वालिटी कैसी है। साथ ही दोस्तों ये भी देखा जाता है कि किस किस जगह पर वाईफाई की सुविधा पहुंच चुकी है, फाइबर टू होम की सुविधा पहुंच चुकी है। इस सब के आधार पर दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी रिपोर्ट निकाली जाती है। इस लिस्ट में दोस्तों इस क्राइटेरिया में जो नंबर वन की स्टेट है ना वो है आंध्र प्रदेश और नंबर दो की दोस्तों जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस वीडियो में तो आज हमने बहुत सारे कमाल के डाटा को क्राइटेरियाज को एनालिसिस किया और मेरे हिसाब से जो बेस्ट स्टेट है, मेरे बताने से पहले यार वैसे आप नीचे बताओ, चलिए अगर मैं आप खुद बताऊं तो दोस्तों इंडिया की बेस्ट स्टेट है मेरे हिसाब से डाटा कैलकुलेट करने के बाद तो वो है केरला। दोस्तों नंबर वन कहने से मेरा ये बिल्कुल मतलब भी नहीं है कि ये पूरी तरह से परफेक्ट बेस्ट है, इसमें भी कुछ खामियां तो ज़रूर हैं लेकिन फिर भी बाकी स्टेट्स के मुकाबले ये कहीं ज़्यादा परफेक्ट है क्योंकि ज़्यादातर क्राइटेरियाज में दोस्तों केरला ने नंबर एक की रैंकिंग हासिल की। हालांकि दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में ना केरला को दूसरी स्टेट से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए, तो वहीं दोस्तों दूसरी जो स्टेट्स हैं ना वो केरला से ये सीख सकती हैं कि HDI के मामले में कैसे टॉप करें और बाकी की स्टेट्स केरला से सेक्स रेशियो के बारे में, एजुकेशन लेवल के बारे में और अच्छे माइंडसेट के बारे में दोस्तों काफ़ी कुछ सीख सकती हैं। तो दोस्तों ऐसी ही कमाल वीडियोस आपके लिए रोज़ ही आनी है तो यार चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी प्रेस कीजिए।